तो हिमाचल में चार्जशीट वाली सियासत जोर पकड़ रही है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी की ओर से लाए जा रहे चार्जशीट में लगाए गए आरोप सभी निराधार हैं। इस मुद्दे पर उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता मोहित प्रेम शर्मा ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा है उसका पहला दिन बेशक शांतिपूर्ण निकला, लेकिन कल क्या होगा, विपक्ष एक नई रणनीति के साथ आएगा और चार्जशीट के जो मुद्दे हैं इस सदन में वो शामिल हो सकते हैं। सरकार किस तरह से जवाब देगी विपक्ष का, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह। सर, विपक्ष जो है वो लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, चार्जशीट के मुद्दे जो है भ्रष्टाचार के आरोप खासतौर पर वो सदन में चार्जशीट को पेश तो करे, उसके बाद ही बहस होगी। चार्जशीट में वो कह रहे हैं कि सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो बात है, हम हर किस्म का जो भी बात उठाएंगे उसको जवाब देंगे, हम डरते थोड़ी है। और जो वो कहेंगे, जो पहले भी आरोप लगाए सब झूठे पाए गए, अब भी जो लगाएंगे वो झूठ के ऊपर आधारित है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। बातों को तोड़ मरोड़ कर रखना और हर के नियत के ऊपर शक करना, ये उनकी खासियत है। We are not afraid of that. सर, एक ट्रेंड बन गया है इस तरह से इलेक्शन आते हैं उससे पहले जो चार्जशीट बनना है, तो पहले कांग्रेस की चार्जशीट भी आई थी, इसी तरीके से अब बीजेपी बना रही है चार्जशीट। हमने चार्जशीट जो है असेंबली में नहीं लाई थी, हमने चार्जशीट जो थी बाकायदा राष्ट्रपति जी को दी थी और गवर्नर साहब को दी थी। विनोन द प्रोसीजर, ये कोई ऐसा नहीं है कि चार्जशीट बनाओ और चौराहे के ऊपर उसको डिस्कस करो। तो इसका जवाब किस तरह से देगी सरकार? इनका जवाब पत्र से देंगे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि चार्जशीट जो है उसका जवाब जो है वो दिया जाएगा, और ये जो जवाब है ये उनका ये कहना है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, यानी सरकार तैयार है बीजेपी के आरोपों पर जवाब देने के लिए। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, धर्मशाला।